इन अ मेमोरी हायरार्की सिस्टम प्रोग्राम्स एंड डेटा आर फर्स्ट स्टोर्ड इन ऑक्सिलरी मेमोरी पोर्शन ऑफ अ प्रोग्राम और डेटा आर ब्राउट इनटू मेन मेमोरी एज दे आर नीडेड बाय द सीपीयू वर्चुअल मेमोरी इज अ कॉन्सेप्ट यूज इन सम लार्ज कंप्यूटर सिस्टम दैट परमिट द यूजर कंस्ट्रक्ट प्रोग्राम एज दो अ लार्ज मेमोरी स्पेस वर अवेलेबल इक्वल टू द टोटलिटी ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, अब जो ये आपका वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, सपोज़ कर लीजिए आपने कोई प्रोग्राम बनाया जिसके लिए बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ रैम की रिक्वायरमेंट है और उतनी अमाउंट ऑफ रैम आपको अवेलेबल नहीं है सिस्टम के अंदर, तो क्या है वो आपका जो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है वहाँ पर पिक्चर में आ जाए और आपका जो प्रोग्राम है वो ईजिली एग्जीक्यूट कर सकता है बाई यूजिंग वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट। उसमें क्या होगा जो भी आपका प्रोग्राम है, ठीक है, लेट से उसको हाई रैम की रिक्वायरमेंट है और उतनी रैम अवेलेबल नहीं है, तो कुछ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम विल गेट लोड ओवर रैम, बाकी का रिमेनिंग विल बी देयर इन वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, जो भी आपकी मैपिंग होगी या जो भी आपका वर्चुअल मेमोरी से डेटा उठ के रैम में जाएगा जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो क्या होगा वो विद द हम क्या करते हैं फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस को मैप करते हैं। ठीक है, फिजिकल एड्रेस आपका रैम का होता है और लॉजिकल एड्रेस आपका वर्चुअल मेमोरी का होता है, उसको हम क्या करते हैं मैप करते हैं और आपका डेटा फ्रॉम वर्चुअल मेमोरी टू रैम कम्युनिकेट करता रहता है। ठीक है, दैट इज़ पेज फॉल्ट आप कह सकते हो, पेज फॉल्ट या पेज हिट, स्वैप इन स्वैप आउट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं आ जाता है। ठीक है, एड्रेस स्पेस एंड मेमोरी, एन एड्रेस यूज्ड बाय अ प्रोग्रामर विल बी कॉल्ड अ वर्चुअल एड्रेस एंड द सेट ऑफ सच एड्रेस द एड्रेस स्पेस, एंड एड्रेस इन मेन मेमोरी इज कॉल्ड अ लोकेशन और फिजिकल एड्रेस। ठीक है, द सेट ऑफ सच लोकेशन इज कॉल्ड मेमोरी स्पेस। ठीक है, वहाँ पर आप उसको लॉजिकल एड्रेस कहते हो और रैम के केस में या मेमोरी केस में आप उसको फिजिकल एड्रेस कहते हो जहाँ पर आपका डेटा जो है वो स्टोर है। ये आपका एक डायग्राम है, मेन मेमोरी है। ठीक है, अब प्रोग्राम वन है, डेटा वन है, डेटा वन टू, प्रोग्राम टू है, इसका डेटा ये है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सपोज़ कर लीजिए आपको आपका प्रोग्राम वन एग्जीक्यूट हो रहा है और उसको डेटा वन की रिक्वायरमेंट हुई, तो उसने क्या किया, उसने ऑक्सिलरी मेमोरी से यानी कि वर्चुअल मेमोरी से इस डेटा वन को क्या किया यहाँ पर कॉल कर लिया। ठीक है ना, या डेटा वन टू की ज़रूरत पड़ी तो डेटा वन टू को कॉल कर लेगा। ठीक है, ये इसका लॉजिकल एड्रेस कुछ और होगा, इसका फिजिकल एड्रेस कुछ और होगा। जब हम एक्सेस करेंगे तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इसके लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में मैप कर देंगे, तो जिससे क्या लगता है, जिससे ये लगता है कि भाई डेटा जो है हमारा रैम से उठ के आया है। ठीक है, मेमोरी टेबल फॉर मैपिंग अ वर्चुअल एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस रजिस्टर है, मेमोरी मैपिंग टेबल है, मेमोरी टेबल बफर रजिस्टर है, मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी है। ठीक है ना, जो भी इसके वर्चुअल एड्रेस है, जो भी इसके कंटेंट की इंफॉर्मेशन है, वो सारी मेमोरी मैपिंग टेबल में होगी। ठीक है, जो भी मेमोरी टेबल का कंटेंट उठ के मेन मेमोरी में जाएगा वो पहले मेमोरी टेबल बफर रजिस्टर के अंदर जाएगा, वहाँ से मेन मेमोरी के अंदर जाएगा, उसके बाद मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर जाएगा, वहाँ से मेन मेमोरी में पास होगा, देन मेमोरी बफर रजिस्टर के अंदर वो आएगा। अब पेजेस के थ्रू होते हैं, पेज ब्लॉक्स, पेज नंबर्स होते हैं, ठीक है, पेज फ्रेम्स होते हैं, ये वाला आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, ये आपका था वर्चुअल मेमोरी के बारे में, ये आपका मेमोरी टेबल है ना, पेज सिस्टम, ये आपकी इंडेक्स वैल्यू है, ये आपका डेटा हो गया। ठीक है, और ये आपकी इंडेक्स वैल्यू हो गई, पेज नंबर, यानी कि ये पेज नंबर आपके यहाँ पर आ गया, ये डेटा आ गया। ठीक है, ऐसे करके मेन मेमोरी ब्लॉक है, मेमोरी बफर रजिस्टर है, ये कौन सा एड्रेस कौन से ब्लॉक में एक्सेस होना है वो सारा यहाँ से आ गया, ये ब्लॉक नंबर आ गए 01 ब्लॉक पे, यानी कि पहले ब्लॉक पे ये कंटेंट जाके क्या हो गया, राइट हो गया। इससे पता चलता है कि कौन सा ब्लॉक एक्सेस करना है, और वो ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन कहाँ से उठती है, ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन इस टेबल एड्रेस से उठती है। ठीक है, इस वाले टेबल एड्रेस से जो ये दे रखा है, ये वाला टेबल एड्रेस। ये आपका वर्चुअल मेमोरी है, ठीक है,
पे वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट था।